जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है, हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो हम लिखते हैं जिंदगी के अंदर वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। जब हम लिखते हैं तो चंद्रमा और केतु साथ में होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और केतु हमारा मोक्ष का कारक है। तो जब आप लिखते हैं तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जो भी आप लिखते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ या मेरे को ये अचीव हो रहा है, ये सब चीज़ें जब आप लिखते हैं तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन नवरात्रों के अंदर माँ की भक्ति, माँ का व्रत करने से हमें क्या मिलता है? हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। और जब हम भक्ति पूरी लगन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में माँ की भक्ति करते हैं तो हमारे को सुरक्षा प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ में हर फील्ड के अंदर हमारे को सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ में एक मुद्रा, उस मुद्रा करने के बाद में और जब आप उन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके 7 मेजर चक्रास भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और उन चक्राओं के एक्टिवेट होने से कोई भी बाह्य शक्ति, कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप एक तरीके स्थिर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस समय नौ दिन जो है ब्रह्मांड से इतनी ज़बरदस्त ऊर्जाएं निकलती हैं जो आपके शरीर को शुद्ध करती है, आपके चक्रास को बैलेंस करती है, आपके चक्रास को एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं। तो करना क्या है हमारे को, रात को करना है, रात को 10:25 पर आपने ये करना है। जी हाँ, रात को करना है। कहते हैं रात में नवरात्रि, रात में शिवरात्रि और जितनी भी रात्रि होती हैं, जन्माष्टमी, तो जितनी भी रात्रि होती हैं, रात्रि में जो भी हम पूजा जप तप करते हैं तो हमारे को सिद्धियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन नवरात्रि के अंदर आपने क्या करना है, रात को आपने पूजा कर ली, सारा पाठ वगैरह सब चीज़ें कर ली, उसके बाद में आपने अपने मंदिर के अंदर आप बैठ जाइए, आपकी अखंड ज्योत भी चल रही है, वहाँ पर बैठ करके आपने अपने हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जब हम इन चीज़ों को स्पर्श कर देते हैं हमारा कंपन होनी शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों को आपने ऐसे करके रखा और अपनी नेवल के पास में आपने हाथ को ऐसे, यहाँ नेवल के पास में अपने हाथ को इस पोजीशन के अंदर रखा, ऐसे करके ऐसे रखा। उसके बाद में आप जो भी आप मंत्र है देवी का, वो मंत्र का आपने आंखें बंद करके चैंटिंग करनी है। जैसे ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या राम 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 राम, जो भी मंत्र है, जिस भी मंत्र के ऊपर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ में आपके चक्रास जो है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। आपने ऐसे रखा, कम से कम अलार्म लगा लीजिएगा, 10 मिनट तक आंखें बंद करके माँ के सामने इस मुद्रा के अंदर बैठ करके आपने जाप करना शुरू करना है, अपना मंत्र जाप करना शुरू करना है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करेंगे आप देखेंगे आपकी शरीर के अंदर एक कंपन आनी शुरू हो जाएगी और उसी के साथ में आपके जो चक्रास हैं, इम्बैलेंस चक्रास हैं, किसी भी तरीके से आप मतलब हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, सक्सेस को लेकर के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो नेचुरली सारी आसपास की चीज़ें भी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन हाथ ऐसे करके आपने रखना है, ये 9 दिन लगातार आपने करना है और करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिला है मुझे ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त मुद्रा है, इसको जब आप करेंगे 10:25 रात को करना है, सुबह नहीं करना है, रात में करना है। और अगर आपको लेट वीडियो मिलती है तो कोई बात नहीं, आप कल से या परसों से भी शुरू कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजेंगे ताकि
जैसे आपको फायदा हुआ है वैसे और सबको फायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, समाज के लिए जरूर अच्छा काम करिए, और कमेंट्स में क्या लिखना है, जय माता दी मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, जय माता दी मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। आप लिखिए और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करें। समाज के लिए एक अच्छा काम, रोज़ाना एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम, जय माता दी।